अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा कढ़ाई। असल में मैंने बस ऐसे ही शूट कर लिया, कोई प्रिपरेशन नहीं थी क्योंकि हम लोग ग्रॉसरी करने गए, वापस आए तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं ढाबा कढ़ाई बनाऊँ, और फिर उसी वक्त सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना लूँ। तो चलें देखते हैं कि इन 10 मिनट्स हाउ ढाबा कढ़ाई विल गेट प्रिपेयर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कढ़ाई में ऑयल, और उस ऑयल में जो चिकन आपने पहले से निकाल के रखी हुई होगी, थौकी हुई, इसको आप फ्राई कीजिएगा। इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिलीज़, और बस मैं इसी ऑयल में इसको पहले मैं चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, और फिर मैं डालूँगी, आपको नज़र आ रहा होगा ये होल पील टोमेटोज़ का ये है, तो मैं इसका हाफ डालूँगी, पूरा नहीं डालूँगी मैं इसको, होल टोमेटोज़ ही मैं ऐसे ही डालूँगी और इसके अंदर ही मैं इसको क्रश करूँगी। और आप देखिएगा ये आपके सामने ही पूरी प्रिपेयर्ड होगी, और सारे मसाले मैं इसमें बिल्कुल रफली मैं बना रही हूँ। प्लीज़ अपोलोजाइज़ फॉर डैट, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बस मैं आई और मैंने कहा चलो मैं शूट कर लेती हूँ ये। तो इसको भूनेंगे अच्छी तरह, भूनते जाएंगे, और ये टोमेटोज़ जो फुल थे मैं इनको क्रश कर रही हूँ, और ये अब डाल रही हूँ ये क्रश रेड चिली फ्लेक्स, ये मैंने इसमें डाले हैं 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, ये ब्लैक पेपर है ये भी 1 टीस्पून ऑलमोस्ट जाएगा इसके अंदर, काली मिर्च पाउडर आप जिसको कहते हैं ये 1 टीस्पून कर लीजिए, अंदाजे से बिल्कुल डाला है मैंने। तो बस फिर इसको दोबारा मिक्स करेंगे, टमाटर इसमें ही गल जाएंगे। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें पानी का अभी तक कोई एक कतरा भी नहीं गला है इसके अंदर, ये इन्हीं टमाटरों में ही गलेगा। और आवाज में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, ये जो मैं डाल रही हूँ ये है भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, ये मैंने पीस के मैं रख लेती हूँ एक डब्बे में बंद करके। तो आई एडेड 1 टेबल स्पून, ये भी आपके देखें टेस्ट पे डिपेंड करता है हाउ मच यू वांट टू ऐड। कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट लगता है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा डालते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ब्लैक सालन बहुत ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा मैं डालती हूँ, तो मैं इसको ज़रा सा हल्का ही रखती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन टेस्ट, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाला था, पिंच ऑफ चाइनीज़ सॉल्ट डालिए, हल्का सा पिसा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला जस्ट 1 टीस्पून ईच, और इसको फिर भून लीजिए, मिक्स कर लीजिए इसको। आप देखिए कलर कितना अच्छा होता चला जा रहा है इसका। तो चेक करते हैं कि रोटी गली या नहीं गली है, अगर थोड़ी सी कसर होगी तो हम लोग इसको और थोड़ा सा कुक करेंगे। और ये बिल्कुल फुल आप समझ लीजिए कि फ्लेम के ऊपर मैं पका रही हूँ इसको, ये मैंने नमक डाला है अब जस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ये रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, देन अगेन मिक्स इट, नाउ आई एम एडिंग कर्ड एंड मिक्स इट वेरी वेल। पानी देखिए अभी भी नहीं डाला, दही ही डाला है, और दही अपना पानी कुछ छोड़ेगा जब ये पकेगा तो, और इसमें ही चिकन जो थोड़ी सी कसर अगर रह गई है तो वो गल जाएगी।
ये बिल्कुल ढाबा कढ़ाई जैसे हाईवे के ऊपर मिलती है, ये बिल्कुल वही होती टेस्ट होता है इसका। और मैं आप याद रखिए, मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, मैं अपने घर में ही खाना पकाती हूँ। डिफरेंट लोगों के चैनल्स देख के ही मैंने सीखा है, मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो दो तीन रेसिपीज़ देख के जो मैंने हाईवे की कढ़ाई मैंने खाई और फिर मैंने बहुत रिसर्च की कि किस तरह बनती है, दो तीन शेफ़्स की रेसिपी ये मिला के मैं यूज़ करती हूँ और अब यकीन कीजिए बिल्कुल एग्जैक्ट यही टेस्ट बनता है। जैसे आप हाईवे के ऊपर हैदराबाद जाते हैं तो हाईवे पे जो रास्ते में मिलती हैं देखिए, चिकन बिल्कुल गल चुकी है इस वक्त और ये आपके सामने मैंने सब कुछ किया है। ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें MDH, कुछ याद आया जी, ये MDH का है, कसूरी मेथी मसाला। ये कसूरी मेथी का जो टेस्ट होता है ये तो बहुत ज़्यादा असेंशियल है हाईवे कढ़ाई के अंदर। जो हाईवे कढ़ाई का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता ही जो है ये कसूरी मेथी है, जिससे आपको वो टेस्ट जो ढाबे वाला होता है ना वो डेवलप होता है। और इसकी जो खुशबू होती है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, मतलब आप इस वक्त इसकी खुशबू टेस्ट करें अगर आप सूंघें, ओह माय गॉड, इट्स जस्ट ऑसम। तो मैं तो इसको कसूरी मेथी के बगैर तो मेरी अब कोई कढ़ाई नहीं बनती, कढ़ाई गोश्त मेरा नहीं बन सकता। तो ये तो बहुत ही असेंशियल एक इंग्रेडिएंट है कढ़ाई गोश्त का, ये याद रखिएगा। बस अब तो हमारी रेडी हो चुकी है कढ़ाई, तो हमारे मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दिया है हरा धनिया और फिर मैं अब इसमें डालूँगी अदरक, स्प्रिंकल करूँगी। और अब आप ये नोश कीजिए नान के साथ और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।